हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त कौन आपके बारे में बातें कर रहा है, लाइक हु इज़ टॉकिंग अबाउट यू। ये रीडिंग जनरल है व्यूअर्स, और हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। आपको ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुँचे हों, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी मैच करेगा। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सब्सक्राइब ज़रूर करें आप ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके व्यूवर्स, ध्यान रखें इस बात का कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती। तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करता है कमेंट्स में, तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती और ना ही मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड किया है। ओके, तो ऐसे स्कैमर्स और फ्रॉड्स का बिलीव ना करें। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर कि इस वक्त कौन आपके बारे में बातें कर रहा है। ये कार्ड पॉप आउट हुआ है, 10 of Wands, ओके, 4 of Wands, Wands एंड Wands, ठीक है, नाइट ऑफ Wands, Wands की काफी एनर्जी यहाँ पर प्रोमिनेंट है, Wands, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, इट्स ऑल वेरी क्लियर, इट्स ऑल वेरी क्लियर, इट्स ऑल वेरी क्लियर, ओके, आई होप ये कार्ड विजिबल हैं, ठीक है। तो इस वक्त कौन आपके बारे में बातें कर रहा है? पहली चीज व्यूअर्स जो यहाँ पर नजर आती है वो ये है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपसे अपनी फीलिंग्स बहुत टाइम तक छुपाई हैं, या जिसने बहुत टाइम तक अपने मन की बात को कन्फेस नहीं किया है, अपने दिल की बात को कन्फेस नहीं किया है, और आपसे दूर भागने की कोशिश की है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की है। दिखता है कि केमिस्ट्री है, पता है कि केमिस्ट्री है, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री या यू नो कनेक्शन डिनाई करने की कोशिश की है। यू नो कि जब महसूस होने लगे कि मुझे इस पर्सन के साथ कुछ फील हो रहा है, तो दूर भागना शुरू कर देना, अवॉइड करना शुरू कर देना, आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करना, एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन अवॉइड करना, यू नो सामने से आ रहे हो तो कहीं और देखने लगना, इस तरीके का अवॉइडेंस और इस तरीके का डिनाइल दिखाने लगना या बिहेव करने लगना। तो ऐसा है कि ये वो पर्सन है व्यूअर्स जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री थी, जिनके साथ आपका एक अट्रैक्शन, एक यू नो एक अट्रैक्शन था, और मैं कहूँगी कि इस पर्सन के साथ एक कनेक्टिविटी हो गई थी आपकी, और फिर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपसे दूर भागने की कोशिश की है जानबूझ के, यानी कि डिलिबरेटली डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की, जानबूझ के आपको अवॉइड करने की कोशिश की, और सामने से किसी ने पूछ लिया कि क्या फील करते हो आप, तो कनेक्शन को डिनाई भी किया इन्होंने, इन्होंने ऐसा भी मना किया होगा कि मुझे कुछ फील नहीं होता, या फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऐसी कुछ बातें करके डिनाई करने की कोशिश की है उस केमिस्ट्री को, उस अट्रैक्शन को जो इन्होंने भी फील किया है। तो ये कोई ऐसे पर्सन है व्यूअर्स जिन्होंने आपसे भागने की बहुत कोशिश की है, अपनी फीलिंग्स को आपसे छिपाने की बहुत कोशिश की है, एंड एट द सेम टाइम अवॉइड भी बहुत किया है आपको, ओके, अपनी खुद की फीलिंग्स को भी अवॉइड किया है, ऐसा लगता है यहाँ पे। यस, कई बार इन्होंने ऐसा भी सोचा है, चलिए जिस रास्ते जाना नहीं उस बारे में सोचना क्यों, यानी आपके बारे में कई बार ऐसा सोचा है इन्होंने, कई बार ऐसा प्लान किया है कि आपसे दूर हो जाएं, या ऐसा सोचा है कि आप में इंटरेस्ट दिखाना ही नहीं है फ्यूचर में, तो आपके बारे में सोचना क्यों। तो कहीं ना कहीं इनको ये कनेक्शन भी इम्पॉसिबल सा लगा है, इसीलिए इन्होंने दूर भागने की कोशिश की है। जो पॉसिबिलिटी हो सकती है इस रिलेशनशिप की, या जो स्कोप हो सकता है, वो इनको ज़ीरो लगा है या बहुत ही कम लगा है, इसीलिए इन्होंने दूर भागने की कोशिश की है।
और जैसा कि मैंने बोला कि बहुत टाइम तक फीलिंग्स छुपाई हैं आपसे, आपके और इनके बीच एज गैप हो सकता है, ओके, और ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती रहती है, कभी इनसे अच्छे से बात हो जाती है और कभी ये महीनों गायब रहते होंगे या रहती होंगी, ऐसा भी हो सकता है, ओके. व्यूअर्स, ये जो पर्सन है इनके साथ आपका यूनियन या मैं कहूँगी एक रिलेशनशिप ज़रूर रहा है, नॉट लाइक दैट कि रिलेशनशिप एक प्रॉपर रिलेशनशिप रहा है, बट एक कनेक्शन आपका इनसे रहा है. और ऐसा भी दिखता है कि इन फ्यूचर ये जो पर्सन है ये सोचते हैं या मैं कहूँ इमेजिन करते हैं या डे ड्रीम करते हैं कि आपके साथ फ्यूचर है इनका, क्योंकि इन्हें इम्पॉसिबल अगर लग रहा है या इनको यू नो स्कोप कम लगता है इस रिलेशनशिप का, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री तो उतनी ही फील होती है. तो मुझे लगता है कि ये डे ड्रीमिंग ज़रूर करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं कि भविष्य में ये आपके साथ खुश हैं, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता शेयर करते हैं, अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. तो ऐसा दिखता है कि फ्यूचर में ऐसा सोचते ज़रूर हैं कि फ्यूचर में हम अगर एक साथ हो जाएं तो कैसा हो, तो ये ऐसा इमेजिन कर ज़रूर रहे हैं. मुझे लगता है कि आपके साथ टाइम स्पेंड सच में करना चाहते हैं, आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पार्टीज़ इंजॉय करना चाहते हैं, फंक्शंस अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो उस केमिस्ट्री से या उस एनर्जी से घबराते हैं या दूर भागते हैं या दूर भागती हैं जो उन्हें ट्रिगर करती है. इतना अट्रैक्शन किसी के प्रति या इतनी केमिस्ट्री फील करना थोड़ा इंसान को कभी ट्रिगरिंग लगता है, वियर्ड भी लगता है, स्ट्रेंज लगता है, और यही एक ट्रिगरिंग एक्सपीरियंस है. तो वो इमेजिन बहुत कुछ कर सकते हैं, ख्याली पुलाव बनाने में क्या जाता है, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं हम, कुछ भी डे ड्रीम कर सकते हैं हम, लेकिन जब बात आती है रियल में बिहेव करने की, रियल में एक्शन लेने की, तो फिर ये दूर भागने लगते हैं या ये आपसे दूरी बनाने लगती हैं. तो ये इमेजिन तो बहुत कुछ कर रहे हैं, इनको आपकी तरफ काफ़ी पैशन फील होता है, बिकॉज यू लुक वेरी अट्रैक्टिव, यू लुक वेरी गुड. ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप शायद डांस अच्छा करते हैं, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कोई कला है, कुछ ऐसा है कि आप डांस अच्छा करते हैं, गाते अच्छा हैं, या राइटर अच्छे हैं, या कुछ तो है, या कॉमेडियन है, एक नेचुरल कॉमेडियन, कॉमेडी बहुत करते हैं, या कुछ तो आप में ऐसा है जो आपके पर्सन, ये जो पर्सन है, आपके पर्सन बोल रही हूँ लेकिन इनको मेंशन करना चाह रही हूँ, ये जो पर्सन है ये आपसे अपनी नज़रें नहीं हटा पाते, जब भी आपको देखते हैं तो इनके लिए टफ हो जाता है कि ये जो केमिस्ट्री फील कर रहे हैं, ये जो बॉन्ड फील कर रहे हैं, नॉट द बॉन्ड बट जो केमिस्ट्री और जो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और आई शुड से द पैशन, कि जो पैशन ये फील कर रहे हैं वो आपसे छुपा लें और यू नो इनकी नज़रों में, इनकी आंखों में दिखाई ना दे, लेकिन साफ दिख सकता है कि कितना पैशनेट फील करते हैं. आप इन्हें बहुत गुड लुकिंग लगते हैं, आप इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, वॉट एवर द वे यू आर, जैसे भी आप हैं, जैसे भी आप अपने आप को कैरी करते हैं, जैसे भी आपके लुक्स हैं, आप अपने लुक्स को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, काफ़ी सेल्फ लव में एक्टिवेट करते हैं आप. तो ये भी कारण हो सकता है कि आप इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, आपके लुक्स इतने अट्रैक्टिव लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं. तो जो भी आपकी ब्यूटी है, जो भी आपके जैसे भी आपके लुक्स हैं, ये उसमें खो जाते हैं, यू नो. तो व्यूअर्स, जब भी ये आपको देख रहे हैं, ये आप पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पाते हैं, ओके. जब भी आपको देखते हैं, आपसे अपनी नज़रें नहीं हटा पाते हैं, आप इन्हें इतने अट्रैक्टिव लगते हैं. तो ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में बातें ज़रूर कर रहे हैं, या तो अपने किसी क्लोज फ्रेंड से कुछ शेयर कर रहे हैं, या किसी सिबलिंग से, या कोई है ऐसा जिसके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि आप कितने गुड लुकिंग दिखते हैं, आपके सामने आते ही, आपके पास आते ही कैसा पैशन फील होता है, आपकी तस्वीर देखते ही कैसा पैशन फील होता है, क्या अट्रैक्शन फील होता है, ओके. और किस तरह से वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन दिस रीज़न है जिसकी वजह से वो दूर भी भाग रहे हैं. हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हैं, ऑलरेडी कोई और पर्सन, या ऑलरेडी कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ ऑलरेडी इन्वॉल्व और इन्वेस्टेड हैं ये, ओके. तो इस वजह से शायद ये दूर भाग रहे हैं, हो सकता है. तो ये बातें किसी को शेयर कर रहे हैं, वो किसी को बता रहे हैं कि उन्हें आपके लिए एक यू नो यूनिक सा अट्रैक्शन फील होने लगा है, एक स्ट्रेंज केमिस्ट्री फील होने लगी है आपके साथ, वो किसी को बोल रहे हैं ऐसा, ओके. और ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है व्यूअर्स, ये धीरे धीरे ये जो फील कर रहे हैं ये सीरियस होने लग रहा है, यानी सीरियस हो रहा है धीरे धीरे, और दे कैन फील इट,
वो फील कर पा रहे हैं कि जितना वो दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं एनर्जेटिकली वो उतना ही करीब जा रहे हैं। ओके तो ऐसा ही होता है, जितना आप दूर भागने की कोशिश करते हैं आपको लगता है कि आप उससे दूर भाग रहे हैं, उस सिचुएशन से, उस इंसान से दूर भाग रहे हैं, लेकिन होता यह है कि आप एक्चुअली में उस इंसान के ज़्यादा करीब होने लगते हैं या उनके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो इन्होंने जितना भी आपको अवॉइड करने की कोशिश की है, आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस व्यूअर्स, उन्होंने जितना भी आपको अवॉइड करने की कोशिश की है, जितना आपसे दूर भागने की कोशिश की है, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फील करना स्टार्ट कर दिया है। यस, जितना आपसे दूर भागने की कोशिश की है इन्होंने उतना ही ज़्यादा आपके लिए फील करने लगे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, इनके जो इमोशंस हैं वो धीरे धीरे मैं कहूँगी जेन्युइन हो गए हैं आपके लिए, इनकी फीलिंग्स रियल हैं आपके लिए और धीरे धीरे होती जा रही हैं। जितना ये आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपके लिए फील करते जा रहे हैं। इन्होंने हो सकता है आपको कभी कन्फेस नहीं किया है और अब तक शायद आपको ब्लॉक करके रखा है, या अब तक शायद आपसे ज़्यादा बात नहीं करते या नहीं करती, क्योंकि अब भी करंट सिचुएशन ये हो सकती है कि इनकी लाइफ में ये किसी सिचुएशन में स्टक हैं, कुछ कार्मिक चल रहा होगा इनकी लाइफ में, या किसी और पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या कर रही हैं, किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है ऑब्लिगेशन लाइफ में जिससे इतनी जल्दी फ्री नहीं हो सकते। ओके ये पर्सन व्यूअर्स फायर साइन हो सकते हैं या आप फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं आप दोनों में से। ओके दे लाइक योर ओपन हेयर, या आप खुले बालों में उन्हें अच्छे लगते हैं, और अगर आप मेल भी हैं तो इट इज़ स्टिल अबाउट द हेयर स्टाइल और समथिंग, जिस तरह से आपके बाल हैं सिल्की हैं या बहुत अच्छा आपका हेयर स्टाइल है, या आप बालों की बहुत केयर करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, तो उन आपके जो बाल हैं उन्हें काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। आप फीमेल हैं तो आप उन्हें खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ऐसा कुछ है शायद। कुछ डर तो है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ते हैं। ये चाहते हैं आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना लेकिन करते नहीं हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, छुपा के रखते हैं ये अपनी बातों को। और मैंने कहा ना कि आपसे छिपाते हैं लेकिन किसी को तो बता रहे हैं, तो करेंटली आपके बारे में कौन बात कर रहा है, ये पर्सन कर रहे हैं। ओके और इनसे आप शायद सोशल मीडिया पर नहीं मिले थे, आप इनसे फेस टू फेस मिले थे, या सोशल मीडिया पर अगर आप इनसे मिले थे तो आप इनसे फेस टू फेस भी मिल चुके हैं। ओके एज गैप हो सकता है व्यूअर्स, आप में एज गैप हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी मैच्योर हैं आप काफ़ी इमैच्योर हैं, या आप काफ़ी मैच्योर हैं ये थोड़े इमैच्योर हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जो पर्सन हैं जिनके बारे में हम सुन रहे हैं ये थोड़े ज़्यादा मैच्योर हैं, या एज में शायद आपसे ज़्यादा है, या एक्सपीरियंस इनका आपसे ज़्यादा है, थोड़ा मुझे इनसे मैच्योर वाइब आ रही है। ओके यस इनके लिए इतना आसान भी नहीं है अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपाना, इन्हें बहुत तकलीफ होती है अगर ये आपको किसी और के साथ देखें, या किसी और के साथ आपका नाम सुनते हैं, या जब रियलिटी फेस करते हैं कि जब तक वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, जब तक कुछ होगा नहीं तो फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ होने की, तो ये चीज़ उन्हें हॉन्ट करती है, बहुत गुस्सा दिलाती है, या बहुत तकलीफ होती है, बहुत हर्ट होता है इन्हें बार बार ये सोच के कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन हैज़ अ क्रश ऑन यू, इनका आप पर क्रश हो सकता है काफ़ी टाइम से। आई एम सॉरी कार्ड काफ़ी सारे स्लिप हुए हैं लेकिन ये अनफोल्ड हुआ है। ओके ऑफ कोर्स ये यिन और यांग की एनर्जी है, ये आपके साथ एक केमिस्ट्री फील करते हैं,
एक स्पिरिचुअल कनेक्ट फील करते हैं। इन्हें अच्छा नहीं लगता कि इनको छुपाना पड़ रहा है अपना प्यार। इनकी हाइट मीडियम टू टॉल हो सकती है, मीडियम टू टॉल लाइक एवरेज टू टॉल ऐसी हो सकती है। यस चलिए लेटर्स देखते हैं। व्यूअर्स इनके नाम में ओ हो सकता है, इनके नाम में आर हो सकता है, आई एम सॉरी फॉर मूविंग दिस कार्ड्स, ओके, इनके नाम में ओ हो सकता है, एन हो सकता है, इट्स अ क्लियर नो ऑल्सो, आर हो सकता है इनके नाम में, एफ हो सकता है, जेड हो सकता है इनके नाम में, जेड, एम हो सकता है और एच हो सकता है, एच एम एफ आर एन ओ जेड, ओके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन था येस और नो में जिसका आंसर आपको चाहिए था, सो द आंसर इज नो, अपने कैमरा स्टैंड को भी सॉरी कहना पड़ता है, सो द आंसर इज नो। या तो अगर आपके मन में कोई सवाल था और जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था, तो ये क्लियर कट आंसर यहाँ पर नो मिला है किसी बात के लिए, वो बात आप जानते हैं, ठीक है, किस बात के लिए आपको येस और नो आंसर चाहिए था। ये जो पर्सन है व्यूअर्स, इनका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर अप्रैल, ओके, अक्टूबर अप्रैल, जनवरी, जून, सितंबर, दिसंबर, फरवरी, ये कुछ महीने हैं जिनमें इनका जन्मदिन हो सकता है। इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 14, 24, 4, 8, 18, 28, 31, 21, 11, 1 and 25, 5, 15, again 4, yes, 4, I have already told you, 12, 22, 12, 22, 2, 13, 28, 29, ये कुछ डेट्स हैं जिसमें इनका जन्मदिन हो सकता है, ओके, आपका भी हो सकता है, बट मैं इनके लिए ज़्यादा ये बोल रही हूँ, ये बर्थ मंथ आपके भी हो सकते हैं, बट मैं इनके लिए फिर भी बोल रही हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा क्लियर रहे, बट हो सकता है कि ये आपसे रेजोनेट कर जाएं, ये बर्थ मंथ और ये बर्थ डेट्स, ओके। तो ये वो पर्सन है व्यूअर्स जो इस वक्त आपके बारे में बातें कर रहे हैं, किसी क्लोज पर्सन से कुछ शेयर कर रहे हैं, कोई जो इनका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई जो इनके करीब है। या तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है, अगर किया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी सबसे पहले वो आप तक पहुँच पाएगा, ओके व्यूअर्स, कमेंट करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी है, कितनी आपसे रेजोनेट की है ये रीडिंग, ओके, और ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती, तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह देता है तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड नहीं किया है और ना ही मैं कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ और ना ही मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, ओके व्यूअर्स, तो ऐसे स्कैमर्स, ऐसे फ्रॉड से सावधान रहें।